चाय लाया हूँ लेकिन चाय कम रह जाएगी यानी ज़्यादा सीलानी ही सो भाई देखो ये देखो भाई आलू आलू की लाइन लग रही है आपने बहुत तो आलू खाए होंगे हर चीज़ में आलू गिरता है लेकिन आपको ये नहीं देखा होगा शहरों वालों की आलू कैसे खुदते हैं कैसे आलू की खेती होती है ये देखो इस चाय लाया था मैं सबको दे दो चाय अठेदार नहीं को पहले चाय को <laughs> हमारी गाइस ताई को सबसे पहले चाय देनी चाहिए इनको सारी जितनी नफरी है ना ताई हैंडल करती है ना ताई लाती है सबको एक साथ और ताई इनका सब देखभाल करती है सो so, दोस्तों देखो मैंने आपको दिखाया था कि ये आलू हमको छाटने पड़ते हैं मोटे अलग और छोटे अलग और गाइस पूरी पलिया भरने के बाद ये आलू हमको कट्टे में गिरने पड़ते हैं ये देखो ऐसे कट्टे में गिरने पड़ते हैं और गाइस देखो पीछे सिलने वाले भी अंकल साथ रहते हैं गहले गाल सीधा सिल देते हैं अगर गाइस कट्टे नहीं सिलेंगे तो बिखर जाता है फिर आलू कट्टे गिरने में टाइम नहीं लगता ना तेरी यार इस क्या यार तेरी फोटो हाँ, हाँ। जब मैं अपनी माँ करवाता मेरे यहाँ होगी ना सो so, गाइस ये देखो ये है सबसे बड़ी तूफानी मशीन ये गाइस ये है अल, जो आलू को धरती से आलू को उखाड़ती है देखो ये पूरी गोल उखाड़ती है ऐसे और ये छन 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 चलता है पीछे को और सारे आलू पीछे गिरती है ऊपर की तरफ ये देखो गाइस चारों में से दिखा देता हूँ आपको ये देखिए गाइस ये पीछे ट्रैक्टर में जुड़ के चलते हैं यहाँ से धगड़क डग दगड़क ये देखिए गाइस देखो जो ये जैसी गोल है ना ये सीधी एक गोल एक साथ ये एक बार में पाट देती है भाई इसका यह फ़ायदा है तो हेलो गाइस कैसे हो स्वागत आपका एक और न्यू वीडियो में और सो दोस्तों आज है ये हमारा सौ दिन का अट्ठावनवा ब्लॉग और सो दोस्तों आप सभी को तो पता है फरवरी का महीना चल चुका है और गाइस आलू की खुदाई शुरू हो गई है सो तो दोस्तों हमारे गांव में आलू की खुदाई शुरू हो गई और गाइस आज मैं वहीं जा रहा हूँ चाय लेकर जा रहा हूँ नफरी के लिए जो काम कर रहे हैं वहाँ पे नफरी और गाइस आपको दिखाऊंगा आलू कैसे खुदते हैं जो ये पटाटो आलू हम खाते हैं आलू सब्जी का राजा होता है तो आज हम जा रहे हैं वहीं आलू देखेंगे कैसे खुदता है और आलू कैसे कट्टे में पैक होता है जमीन से कैसे निकलता है तो आज है हम बस वही देखने जा रहे हैं और चाय भी साथों साथ ले जा रहे हैं गैल बस गाइस साइकिल रेडी है चाय रेडी है तो ले चलते हैं जल्दी से गाय जल्दी से तो फाइनली दोस्तों हम घर से निकल चुके हैं खेत में जाने के लिए और चाय ले ली दोस्तों और पीछे वाले ये भी मैं दो गिलास और गाइस पता नहीं खेत ढूंढ रहा हूँ खेत साइड ये है, और ये पल्ला जो पल्ली साइड है तो खेत ढूंढता हुआ जा रहा हूँ मैं चाय देने के लिए और सो गई देखो ये है रोड या ये यहाँ पे सरसों ये है आलू गाइस जो सामने नफरी बैठी है मुझे लगता है वो है चलो गाइस चल के देखते हैं आ गए जल्दी से आ गए पता चलेगा कहाँ पर है तो दोस्तों काफ़ी देर ढूंढने के बाद और गाइस काफ़ी देर मैंने ढूंढा था फोन करा था जब बूझा तो देखो गाइस कैसा जंगल है रास्ता पूरा इस जंगल बुझता, बुझता, में बूझता बूझता रास्ते में ढूंढता हुआ आया हूँ और जब जाकर देखो मुझे खेत मिल चुका है गाइस मेरे जो पीछे है वो खेत है तो चले गाइस चलते हैं खेत पर वहाँ आप, आपको दिखाता हूँ आलू कैसे खुदते हैं आलू की खुदाई कैसे होते हैं तो चले गाइस चलते हैं जल्दी से आगे मुझसे अब वेट नहीं हो रहा चाय भी ठंडी हो जाएगी वरना तो दोस्तों मैंने साइकिल पीछे खड़ी कर दिया वहाँ पे लुटा दी खेत में और गाइस अब रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है ना आगे साइकिल ले जाने के लिए रास्ता नहीं है अच्छा तो मैं पैदल जा रहा हूँ चाय लेने के बाद और गाइस देखो ढाई बज गया अब नफरी भी अपने काम से लग रही हैं गाइस अब नफरी करेंगी काम वो देखो सामने ट्रैक्टर खड़ा है वहीं पर नफरी है और देखो गाइस आलू आ रही है सामने से गाइस आपको पूरी वीडियो में अच्छे से दिखाऊँगा कि आलू की खुदाई कैसे होती है अगर आपने नहीं देखी तो फाइनली दोस्तों आलू में आ चुके हैं और गाइस मशीन ने तो गाइस पहले खोद दिए है आलू अब देखेंगे कैसे भरे जाते हैं ये दिखाऊंगा देखो गाइस आलू की पूरी खान है यहाँ पे ये देखेगा गाइस आलू की पूरी खान ये गई ऐसे निकलते हैं खेत से आलू लेकिन गाइस एक दिक्कत हो गई मशीन ने पहले खोद दी मुझे आने से पहले और मशीन तो निकाले ना गाइस मैं सोच रहा कि मशीन दिखाऊंगा आपको मशीन कैसे पाटती आलू लेकिन गाइस मुझसे पहले खुद चुके हैं सुबह के टाइम आना था गाइस सुबह के टाइम मशीन चल जाती है और सो दोस्तों आलू में काम करने में काफ़ी पूरे दिन काम करना पड़ता है ना दिन में आठ घंटे तो थकान चढ़ जाती है तो इसलिए मैं ले आया हूँ चाय इनके लिए ये देखो चाय लाया हूँ लेकिन चाय कम रह जाएगी यानी नहीं ज़्यादा सीलानी ही सो भाई देखो ये देखो भाई आलू आलू की लाइन लग रही है आपने बहुत तो आलू खाए होंगे हर चीज़ में आलू गिरता है लेकिन आपको ये नहीं देखा होगा शहरों वालों कि आलू कैसे खोदते हैं कैसे आलू की खेती होती है ये देखो इस चाय लाया था मैं सबको दे दो चाय ठेकेदार निको पहले ताई को, को <laughs> हमारी गाइस ताई को सबसे पहले चाय देनी चाहिए इनको सारी जितनी नफरी है ना ताई हैंडल करती है ना ताई लाती है सबको एक साथ और ताई इनका सब देखभाल करती है और सो दोस्तों एक नफरी के दस्ताने रह गए जो हाथ होते हैं ना ये मट्टी में काम करते हैं ना तो हाथ थोड़े बेकार हो जाते हैं तो दस्ताने पैर के काम करते हैं ना तो हाथ एकदम अच्छे रहते हैं तो वे अपनी बिजली पर भाई जब लंच करने गई थी तो वहाँ पर दस्ताने भूल गई एक नफरी तो उनके दस्ताने लेने चलते हैं ये देखो भाई इस बापरे यहाँ तो भाई ये गेहूँ तोड़ मरोड़ कर दिए निकलने वालों ने सो so गाइस बोरी बिजली आ गई चलते हैं आगे जल्दी से फटाफट ये रहे सब नफरी के आलू आलू और बे जवाब और देखो गाइस ये रहा पानी पानी और डिब्बा सो गाइस जब यहाँ नफरी का वो हो जाता ना लंच तो रोटी यहीं खाती है एक साथ बैठ कर और ये रहे गाइस दस्ताने जो ये दस्ताने थे ना ये दस्ताने भूल गई एक नफरी इनके दस्ताने दिन चलते हैं ये है गाइस पानी इस बिजली का पानी काफ़ी अच्छा लगता है पीने में स्वाद और गाइस जंगल में यहाँ पे जब लंच होता है ना इनका सॉरी नफरी एक साथ खाना खाती है ना भाई बड़ा मज़ा आता है एक साथ खाना खाने में काफ़ी खाना भी एकदम स्वाद और टेस्टी लगता है चलो गाइस चलते हैं आलू में और आपको आलू में देख देखते हैं क्या क्या होता है वैसे गाइस मैं पर के आया था पिछली साल आया था आलू खोदने लेकिन अब की बार मैं आ नहीं पाया गाइस अब की बार आने में मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं इसलिए आ नहीं पाया <laughs> सो गाइस एक बार तो मेरे चारों भाई हरियाली देखो भाई गाँव में जो हरियाली मिलती है ना उसका भाई कहीं भी जवाब नहीं है तोड़ नहीं हो सकता और सो दोस्तों देखो जो ये नफरी काम कर रही है ना इन्होंने सारे आलू इधर से एक सार कर दिए हैं बिल्कुल एक जगह इकट्ठे करती हैं गैस मशीन ने तो सुबह गुल पाड़ दी थी मशीन ने सुबह गुल पाड़ दी और इन्होंने अब जो धूप लगी थी दोपहर की और इन्होंने फिर शाम के बाद ये देखो सारे आलू बिटले कर दिए यहाँ से वहाँ तक ये देखो जब गैस गुल पड़ जाती है ना तो उनका आलू चुग कर एक ए, एक लाइन बनानी, बनानी पड़ती है देखो तो ऐसे ऐसे बनानी पड़ती है सो गैस मुझे तो काफ़ी अच्छी तरीके से पता है गाइस क्योंकि जो पिछली साल गई थी ना पिछली साल में आलू में आया था और अब की बार गईस मैं आ नहीं पाया टाइम नहीं मिला इसलिए तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर आपको दिखाई दूँ ये तो गाइस ऐसे होती है ये लाइन और जब गाइस ये भी ऐसे हो जाएंगे ना उसके बाद ये आलू भरे जाएंगे कट्टे में फिर कट्टे कट्टे में भरने के बाद गाइस फिर जाते हैं मंडी में गाइस जो सपा आलू अलग अलग छढ़ते हैं ये जो बेकार है वो अलग और जो छोटा आलू वो अलग मोटा आलू अलग और फिर ये कट्टे में भर जाते हैं आपको दिखाऊंगा मैं सब कुछ अच्छे से तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना सो गाइस ये देखो ये है सबसे बड़ी तूफ़ानी मशीन ये गाइस ये है अल जो आलू को धरती से आलू को उखाड़ती है देखो ये पूरी गोल उखाड़ती है ऐसे और ये छन 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 चलता है पीछे को और सारे आलू पीछे गेरती है ऊपर की तरफ ये देखो गाइस चारों में से दिखा देता हूँ आपको ये देखिए गाइस ये पीछे ट्रैक्टर में जोड़ के चलते हैं यहाँ से धगढ़क डक डक ये देखिए गाइस देखो जो ये जैसी गोल है ना ये सीधी एक गोल एक साथ ये एक बार में पाट देती है भाई इसका ये फ़ायदा है गाइस अब ये यही ये मशीन चलती है हर जगह तो फाइनली दोस्तों देखो जो ये आलू है ना इन्हें भरने के लिए चाहिए पलिया और ये गई इस पलिया सो फ्रेंड जो पलिया होती है ना जो ये आलू कट्टे में भरे जाएंगे वो इन्हीं पलिया से भरे जाएंगे तो वहाँ पे गाइस पीछे मेरे पीछे जो लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए पलिया लेकर चलते हैं वहीं पर और अब कट्टे में भरने की बारी आ चुकी है उधर से कट्टे में भर के लाएंगे तो चलते हैं आपको अच्छे से दिखाएंगे तो वो तो आपको पसंद आ ही रहा होगा गाइस देखो पलिया गेट दिया यहाँ पे यहाँ से आलू भरने स्टार्ट होएंगे पूरी लाइन जाएगी और सो दोस्तों अब आलू कट्टे के अंदर भरने शुरू हो चुके हैं देखो सो तो देखो गाइस इतनी साल लंबी लाइन लग चुकी है जो मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ पे जो गई ऐसे आलू पहले वे गोल में से चौके जाते हैं तो फिर वे भरने के लिए एक लाइन नोई लगती है सीधी गली में और एक लाइन गए दो लाइन लग चुके हैं और गाइस नफरी बैठ चुके हैं सारों अब नफरी गाइस ये नफरी भरेंगी टोकरी में आलू और फिर उठाने वाले अलग होते हैं गाइस मैं आपको काम करके दिखाता हूँ गाइस सो गाइस मैंने तीन चार साल मैंने भी आलू में काम करा है तो मुझे भी एक्सपीरियंस है पूरा तो मैं आपको खुद काम करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे काम होता है चलो गाइस चलते हैं सो दोस्तों सो दोस्तों देखो ये सामने जैसे आलू पड़े हैं ना इनमें कई साइज के आलू होते हैं ये गाइस मोटे मोटे और ये छोटे छोटे आलू होते हैं तो जो कही जो बढ़िया कट्टा होता है ना सबसे प्योर उसके लिए हमको मोटा आलू अलग निकालना पड़ता है तो कहीं देखो ये मोटे मोटे आलू ना ये निकालने पड़ते हैं हमको ऐसे अलग ये पलिया में भरने पड़ते हैं ऐसे आलू हमको ये देखो तो भाई ये मोटे मोटे अलग निकाल दो और कहीं जब ये पूरी पलिया भर जाती है ना तो फिर पलिया वाले ले जाते हैं इसको कट्टे में पलटने मैं आपको दिखाता दूँ अच्छे से सो so, दोस्तों देखो मैंने आपको दिखाया था कि ये आलू हमको छाटने पड़ते हैं मोटे अलग और छोटे अलग और गाइस पूरी पलिया भरने के बाद ये आलू हमको कट्टे में गिरने पड़ते हैं ये देखो ऐसे कट्टे में गिरने पड़ते हैं और गाइस देखो पीछे सिलने वाले भी अंकल साथ रहते हैं गहले गाल सीधा सिल देते हैं अगर गाइस कट्टे नहीं सिलेंगे तो बिखर जाते हैं फिर आलू कट्टे गिरने में टाइम नहीं लगता ना तेरी तेरी क्या फोटो हाँ जब मैं अपने मेरी ना हाँ अगर तुम्हारे मई करवा तो फिर तुम्हारी आएगी ऐसा ये देख जो ये छोटे मोटे आलू है ना ये आते हैं बीज बोने में काम ना जाओ पीछे छोड़ा वो सब बीज है देखो भाई ऐसे पलिया उठाने वाले अलग रहते हैं भाई और वैसे अलग आप एक बार कट्टे देखो भाई कट्टे की लाइन ऐसे लग जाती है पूरी लाइन कट्टे उनकी एक बात तो किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब जाके फल मिलता है और सो दोस्तों अब हो चुका है शाम का टाइम और गाय साहब को पता है अब मुझे शाम के टाइम जाकर वीडियो वीडियो अपलोड करनी है और बनानी है एडिट करनी है तो काफी ज्यादा सादा सामान वो रहता है अब और गई साहब एक डेढ़ घंटे बाद इन सब हमारे गाँव के नफरे उनकी भी छुट्टी हो जाएगी और गाई अब चलते हैं घर अब क्योंकि अब टाइम नहीं है अब चलते हैं घर अब तो सबकी छुट्टी अब काम वाम खत्म मैंने आपको दिखा दिया गाइस कैसा आलू खुदते हैं और गाइस कट्टों की लाइन देख लो आपका कमेंट आया था कि भाई आलू खुद खुदने शुरू हो चुके हैं आपके यहाँ कैसे खुदते हैं तो मैंने आपको दिखा दिया पूरी अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना और आपका कमेंट भी आया था कि भाई वहाँ पे गुड़ बनता है तो आप गुड़ लाए थे वहाँ गुड़ पर भट्टी कैसे बनती है तो भाई मैं वहाँ भी जाऊँगा कल को तो वहाँ भी आप, आपको वीडियो बनाऊँगा अच्छी सी गुड़ में वहाँ कैसे बनता है भट्टी में तो आपको गुड़ की भी वीडियो दिखा दूँगा अगर आपको और कमेंट कर सकते हो और किस चीज़ की आपको गाँव में वीडियो चाहिए मैं बना के दे हूँ फटाफट तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम तो आप चली रहे हैं घर हम मिलते हैं आपको घर जाके एंड करते हैं सो so, देखे दोस्तों ये है रास्ता जाने का यहाँ पर इसमें जाता है गाइस पानी ये है भरा ये देखो गाइस इसके जाता है पानी खेतों में पानी जाता है ना तो ये रास्ता है पानी का और गाइस देखो मेरी साइकिल तो इतनी दूर खड़ी है भाई साइकिल ही मैंने पूरी वहीं खड़ी कर दी थी रास्ते पर अब साइकिल पर चढ़ कर अब झाड़ झाड़ जाएंगे घर को अब काफ़ी लेट हो चुके हैं अब चार बज रहे हैं अब और जो गाइस ये नफरी हैं इन्हों की छुट्टी होती है साढ़े पाँच बजे ही चलिए गाइस चलते जल्दी सो गाइस देखो ये रही हमारी साइकिल मैं तो साइकिल को यहीं गियर का चला गया था गाइस क्योंकि आ गया भाई साइकिल ले जाने का रास्ता ही नहीं है